जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लगातार जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर में कई अलग अलग परियोजनाएं चला रही है। इसके तहत जम्मू का चाहे वो अप्सरा रोड हो, चाहे ओल्ड सिटी हो या फिर बाहरी इलाके हो, जो जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर जो आता है इलाका, उस पर जो है इस समय कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं समय जम्मू के अखनूर रोड में हूँ। यहाँ पर जो एक पुराना लंबा 2 किलोमीटर पार्क था, जो कि फ्लाईओवर बनाने की वजह से खराब हो गया था, उसे एक बार दोबारा से बनाया जा रहा है और भारत मिनरल्स नाम की कंपनी लगभग 20 करोड़ की लागत से इस पार्क का निर्माण कर रही है। पार्क में अलग अलग किस्म के यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा सैर करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे सैरगाह बनाई जा रही है, सिटिंग्स अरेंजमेंट रहेंगे, टॉयलेट्स रहेंगे और ख़ास तौर पर इस इलाके की खूबसूरती कैसे बढ़ाई जाए वो भी, उसके ऊपर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। खास किस्म का पत्थर यहाँ पर वो लगाया जा रहा है और बड़ी बात एक और यहाँ पर शहर का सबसे लंबा फ्लाईओवर इस पार्क की खूबसूरती बढ़ाता है। वहीं बीच में रणवीर कनाल जो बह रही है इस इलाके में एक अलग ही जो एक दृश्य वो बनाती है। तो जल्द ये पार्क बन के तैयार हो जाएगा और जम्मू वासियों को एक खूबसूरत ये तोहफा बन के सामने मिलेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग अभी फिलहाल इस पार्क के बनते हुए देख रहे हैं, बीच में ये भी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लोग यहाँ पर पौधे चोरी कर रहे हैं और कई बार तो यहाँ पर रेड स्टोन जो रखा जाता है उसको भी चुराने की कोशिश करते हैं। तो शहरवासियों से अपील है कि जो काम जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और एजेंसीज कर रही हैं शहर को खूबसूरत बनाने का, तो आप भी उसमें सहयोग दीजिए। इस तरह की जो जो बातें सामने आती हैं यकीनन शहर की तस्वीर खराब करती हैं कि पौधे चोरी कर लेना, पत्थर चोरी कर लेना और इतने खूबसूरत पार्क में गंदगी फैलाना, ये हम सबकी धरोहर है। हम सब शहरवासियों का दायित्व है कि इस यहाँ की और इसके बजाय जहाँ जहाँ भी पार्क है हम उसको जो है पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। तो अभी तो ये पार्क बन रहा है, जल्द बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन इसकी ध्यान देखरेख हम सभी को करनी है। और अगर आपको भी कोई लगता है कि यहाँ पर कोई कमी पेशी है तो आप प्रशासन से, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड से उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं, वो यहाँ पे चीज़ें जो है ऐड इन करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ से पौधे चोरी करने की कोशिश करता है या पत्थर उड़ाने की कोशिश करता है और अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो ज़रूर उसको टोकिए, क्योंकि ये काम हम सबका है और हमारा जम्मू शहर जो है वो खूबसूरत इसमें बनाया जा रहा है। मेरा नाम दिलीप है। तो ये जो वॉकवे है ये जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है, EPC कॉन्ट्रैक्ट है ये, और काफ़ी अच्छा काम जम्मू में आप देखते हो हर एक जगह हो रहा है, चाहे वो गांधीनगर है या सिटी है या हेरिटेज ट्रेल है या यहाँ देखते हो तालाब किलो देखते हो, बहुत अच्छा काम जम्मू में आज के दिन में देखने को मिल रहा है। और ये जो है एक बख्शी नगर से लेके पवन आइसक्रीम से लेके अपना BSF अलोड़ा तक जो है एक डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ की वॉकवे बन रहे हैं, रेलिंग लग रही है, रेड आगरा सैंडस्टोन का काम हो रहा है, डिज़ाइनर लाइट्स लग रही हैं और भी काफ़ी अच्छा टॉयलेट ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, उस तरफ ड्रेन्स हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, रोड का काम है, एक अच्छा काम यहाँ चल रहा है। सर ये कौन सी कंपनी कर रही है और इसकी लागत? ये जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम है सारे, और इसकी इस प्रोजेक्ट की एज होल इस जो पैकेज है रणबीर कनाल की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का, जिसमें रोड ड्रेन सब आते हैं, ये कोई 20 करोड़ का काम है। डेडलाइन क्या सर, कब तक ये बनके कंप्लीट होना? ये अभी इसको टाइम है, लेकिन कितने महीने का टाइम दिया? अभी 7-8 महीने हो गए हमें काम करते, 18 महीने का काम। पार्क बन रहा है 2 किलोमीटर लंबा, पार्क की खूबसूरती से जम्मू शहर जो है और खूबसूरत दिखेगा। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसको बना रहा है, इसको लेकर क्या कुछ सर तैयारियां हैं और कब तक ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा? बिल्कुल, लोगों को सुविधाएं देने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार काम कर रही है और इसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे स्मार्ट सिटी के, लगभग 300 प्रोजेक्ट हमारा स्मार्ट सिटी का चल रहा है, जिसमें एक हमारा ये पार्क भी है जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और नहर के किनारे एक बड़ा सा खूबसूरत पार्क बन रहा है जिसको हमारी स्मार्ट सिटी बना रही है। उसमें अच्छे तरीके से, मॉडर्न तरीके से जो सारे काम हो रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, मुझे लगता है कि इसका लगभग 80% काम हो गया है। जल्दी ही ये जो पार्क है लोगों को दे दिया जाएगा उनको इस्तेमाल करने के लिए। और इस एरिया की जो ब्यूटिफिकेशन की है, और जिस तरह खासकर फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक जैमिंग की प्रॉब्लम, लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट देने की हमने पूरा प्रयास है, और मुझे लगता है कि ये पार्क बनने के बाद जो फ्लाईओवर और रोड बनने से जो लोगों को सुविधा हुई है, उसके साथ साथ ये पार्क भी उस रौनक को बढ़ाएगा और लोगों को एक अच्छे नहर के किनारे एनवायरनमेंट और वातावरण देगा। और इसके साथ साथ मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि
सरकार खासकर चाहे स्मार्ट सिटी हो, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, जो भी पैसा लगाती है वो आप लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है। जो हम चाहे पार्क बनाते हैं, चाहे वो नाली गली रोड बनाते हैं, कई बार देखा जाता है इसी पार्क के साथ में लोगों की शिकायतें भी आई हैं कि कुछ लोग वहाँ से पौधे उठा के ले जा रहे हैं, गमले में जो लगाए हैं बड़े अच्छे पौधे हैं, और भी आती जाती है पूरे शहर से। तो जिन लोगों को हम ये डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं, जिन लोगों के लिए हम ये पार्क बनाते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि इसकी देखभाल भी करें। मैं जम्मू के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, खासकर पार्क के डिजाइनिंग लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि अभी हमारा पार्क कम्प्लीट नहीं हुआ, जल्दी होने वाला है, और आज ही उसको थोड़ी बहुत ऐसे छोटे मोटे एंटी सोशल लोग जो हैं उसकी शक्ल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, उसका भी ध्यान रखना आप लोगों का फर्ज है। अगर कोई गलत करता है उसको रोकना चाहिए, फिर भी नहीं तो हमें भी सूचना करें। मैं ये भी आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस पार्क को बना के तो स्मार्ट सिटी देगा, लेकिन संभालना, मेंटेन करना, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना, ये हम लोगों का काम है। सुरजीत सिंह के साथ मैं कोशिश पर जेके न्यूज़ वायर के लिए।